हार वृत्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते, कि मैं अगर दान कर रही हूं तो केवल मेरा ही होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना मात्र, एक धान एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है। एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला? पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को जिसने इसका स्पर्श कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को जिसने इसका स्पर्श कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ा रहा, घर की बिचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मलकर निकाला गया, कहीं मशीन में गया जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। दसवां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया। तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में चार लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में चार लोग हैं चारों दान करो, घर में चार लोग हैं चारों भजन करो, घर में पांच लोग हैं पांचों भजन करो, घर में जितने सदस्य वो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए, तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं? अब भगवान शंकर ने कहा तेरी बूढ़ी माँ रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। एक लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो एक लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज कह रहा मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया? क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया, कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी एक लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना, शंकर की चौखट पर जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है जरा विचार करिएगा। दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं को लगा, जरा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी
ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो? जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको ये कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा है, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ी नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिवजी पे जो जल चढ़ाओ उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले दो बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ, उस दो बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की तीन उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से कर्जा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ये जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, वो धीरे धीरे दुख काटना प्रारंभ कर देगा, काटेगा दुख। बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी का, शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है, जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है, ये दो जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहां जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामलीबारी, दौतली और देव, जहां गोल भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है तो हम जल चढ़ाते हैं, तो उस जल को चढ़ाने का नियम है पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठी का, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाए उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू,
मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कुछ मना नहीं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? हम शिव को जो जल चढ़ा रहे हैं, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जो जल समर्पित कर रहे हैं, उस जल का महत्व क्या है, उस जल का आनंद क्या है, उस जल का सुख क्या है? बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस बेतुल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल नहीं होना चाहिए। आप जल चढ़ाओ, देवाधिदेव महादेव को रिझाओ, पर आपके भीतर कपट रखकर या बेईमानी रखकर या प्रपंच रखकर या छल रखकर या किसी को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा जल मत चढ़ाओ कि देवाधिदेव महादेव राजी नहीं। एक प्रयास आपने भी करा होगा, कभी कभी आप किसी को शिव महापुराण का कोई उपाय बता देते हो, आप शंकर जी का कोई उपाय किसी को बता दिया, पशुपति व्रत कर ले उससे ऐसा हो जाएगा, तू परेशान है ना, कर ले, किसी को बता दिया ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तुमने दो बार कर लिया, तुम्हारा नहीं हुआ पर उसने करा, हो गया। कारण क्या था? उसका एक कारण था, उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया और तुम महादेव पर विश्वास ही नहीं कर पाए। अंतर यह जाता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक बेलपत्री के पत्ते में, अब तो लोग उस पर सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे, बेलपत्री के एक एक पत्ते में क्या क्या विराजमान है। अब तो रिसर्च सेंटर खुल गए जिसमें इन बेलपत्री के पत्तों को डालकर देखा जाता है कि बेलपत्री के पत्ते की इस डाली के अंदर कितना रस। गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर, वीडियो अच्छी लगी हो तो। हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब प्लीज।